तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चों अपने चैनल रोहित सर एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाल ही में पद्मश्री भूषण अवार्ड मिलने का जिनका खिताब गया है उनके बारे में। उनका नाम है तुलसी गौरा। चलिए आइए हम लोग जानते हैं तुलसी गौरा स्त्री कौन थी। वो बहुत ही साधारण स्त्री थी और जंगलों में औषधि के बारे में, आयुर्वेदिक औषधि जिससे बड़े बड़े बीमारियों का इलाज किया जाता है, उनके गुण के बारे में उनको अच्छी नॉलेज थी। उनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, जंगल का इंसाइक्लोपीडिया। यानी इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है जिसके बारे में विशेष जानकारी हो पूरे अंदर तरीका से, गुणी तरीका से, उसी को बोलते हैं हम लोग इंसाइक्लोपीडिया। तो उनको जंगल का इंसाइक्लोपीडिया यानी कि फॉरेस्ट का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। उनको जंगल के हर एक चीज़ के बारे में, ना ही वो इस चीज़ के बारे में पढ़ी थी ना ही उनको कुछ जानकारी था, फिर भी वहाँ पर रह करके उसके बारे में वो जानती थी। वो जब राष्ट्रपति भवन में पहुंची राष्ट्रपति से पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए, तो हुआ क्या कि वो बहुत ही साधारण कपड़ों में पहुंची, पैर में चप्पल तक नहीं थे, वस्त्र लपेटे हुए बदन पे वो पहुंची, एक लिपटी हुई साड़ी में आई थी जो कि बहुत पुरानी साड़ी थी। विशेषकर ये बात यही दर्शाती है दोस्तों कि हमारे देश में आज भी कपड़ों को महत्व दिया जाता है। आज भी आप बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स में जाइए, आप अच्छे कपड़े पहन के जाइएगा तो ही स्वागत करेगा आपका, फटे पुराने अगर हुए तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। देखिए बच्चों, देखिए दोस्तों, कहने का सेंस यही है कि अगर आप आज के डेट में मेहनत करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखते हैं, तो आप गरीब घर से हैं, अमीर घर से हैं, उससे मतलब नहीं है। आप अगर हकदार हैं किसी चीज़ को पाने के लिए तो वो आपको मिलता है, जैसे तुलसी गौरा को मिला था। और पद्मश्री भूषण अवार्ड बढ़िया बढ़िया को नहीं मिलता है, पद्मश्री पुरस्कार तुलसी गौरा को मिला है। हाल ही कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद थे, राष्ट्रपति वहाँ पर मौजूद थे राष्ट्रपति भवन में, और उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो कैसी रही जानकारी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।